की रफ्तार। दूध। हेलो। हाँ मंथन। नहीं, मुझे बापनू घर जाना है। हाँ वही कल वाला केस। अजीब औरत है, अपने पति से डिवोर्स चाहती है इस उम्र में। डिटेल्स तो बाद में पता चलेंगे। आ रही हूँ मैं ऑफिस। मंथन मंथन रश आवर्स में मस्ती मत करो प्लीज। हाँ ओके ओके सी यू या मैं चलूं? जी दीदी। ओके ट्यूशन से आज तुम्हारे? नहीं यार ट्यूशन नहीं है, आज मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मेरे अच्छे भाई खाना खा लेना, रात को मैं देर से आऊंगी। सो ओके, जाना ओके दीदी। अच्छा मैं चाबी से दरवाजा खोल लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पनीर के पकौड़े बनाए हैं, याद से खाना। खा लूंगा। दीदी मेरे भाई अपना वादा याद है ना? हाय अमित। अरे दीपक तुम? अरे तुम ऐसा चौक क्यों है? ऐसे लग रहा है जैसे मैं नहीं कोई डाकू घर में घुस आया हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तो फिर डर क्यों गया इतना? मैं कहाँ डर रहा हूँ? मुझे पता है तो कभी डरता नहीं हूँ, ब्रेव बॉय। नहीं एक काम कर, चल चल बाहर, चल बाहर चल। कहाँ? अरे इतना अच्छा मौसम है बाहर और तू ये क्या सब बंद कर, चल यार दिस इज नॉट योर वर्क। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। नहीं फिर तो तू पछताएगा बॉस। जो पता है अभी भी मैं कहां से आ रहा हूं? कहां से? कुंदन भाई के वहां से। कल सारा दिन अपुन कुंदन भाई के साथ ही था और उसने अपुन को ये दिया है, देख। बोला जा दीपक ऐश कर, अगर अमित मिला तो उसे भी ले जा ऐश करवा। तुझे पता है अमित ऐश क्या होती है? मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूं ऐश क्या होती है। मैंने मुझे कहीं नहीं जाना है। अबे पागल है क्या? आज दिन भर तेरे घर पे कोई नहीं है बराबर। तुझे कैसे मालूम? अपन को सारी टिप बराबर मिलती रहती है बिड़ू। आज तू दिन भर घर पे अकेला है, बाहर शौकीनों का मेला है, नहीं कोई जमेला है। चल मेरे साथ चल, ऐश करेंगे, घूमेंगे, शॉट लगाएंगे, चल वहां। मैं ड्रग्स नहीं लूंगा। साले गंदी जुबान में बोलता है, हाँ ड्रग्स बोलता है तो कोई मरीज है तो ड्रग्स ड्रग्स करता है। शॉर्ट बोल क्या? शॉर्ट है बोल, शॉर्ट सुनने भी कितना अच्छा लगता है ना, शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट बोलने का राइट। नहीं नहीं मैं ड्रग्स नहीं लूंगा, मैंने अपनी बहन को वचन दिया है। हाँ तो ठीक है ना, तू वचन तोड़े बिना भी ले सकता है, मैं तेरे को कहाँ वचन तोड़ने को बोल रहा हूँ। नहीं नहीं तू मुझे फंसा मत। मैं तेरे को कहाँ फंसा रहा हूँ यार? तू कोई लड़की है, मैं तेरे को फंसाऊंगा? तेरे पास ऐसी कोई चीज है लड़की जैसी फंसाने जैसी चीज? अरे नहीं यार वचन कब टूटता है,
जब तूने जिसको वचन दिया है उसे पता चल जाए तभी वचन टूटता है, वैसे थोड़ी ना वचन टूटता है। तेरा कोई वचन वचन नहीं टूटेगा, चल मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं करने का। देख मेरा फ्रेंड है ना, मुझे पता है तू नाटक कर रहा है, तू आएगा मेरे साथ। नहीं नहीं, दीदी को बुरा लगेगा। अरे दीदी को नहीं बुरा लगेगा, उसे जब पता चलेगा तभी तो बुरा लगेगा ना। हाँ अबे यार, चार दिन की जवानी है, ऐश कर ले। अभी नहीं करेगा तो कभी करेगा, बूढ़ा हो जाएगा, बम जात के वगैरह तभी करेगा। अबे मेरे पास पैसे भी है, कुंदन मैंने ऐश करने को दिया, चल मेरे साथ। नहीं नहीं, अरे चल, बंद कर ये सब और चल, लाइफ बना दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे पता आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। मेरे ख्याल से पापा भी ट्रैफिक में फंस गए, अभी तक आए नहीं। अरे गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग सर। मंथन कहाँ है? पापा अभी एक न्यूज आई है, बॉम्ब ब्लास्ट की, मंथन नहीं गया। ये अपनी रिपोर्ट दे गया। आभा और मंथन अग्निहोत्री जी से मिलने गए थे ना, तो उसने अपने पॉइंट्स इसमें लिख दिए। हाँ, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? सर पहले तो मिस्टर अग्निहोत्री ने हमसे मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया, पर मिसेज अग्निहोत्री हमें पहचान गई, उनकी वजह से हम उनसे मिल सके। How's he? Now he's okay, sir. पर उनकी कहानी सुनकर मैं कांप उठी। विरोधी दल के नेता जीवन लाल की जो मौत हुई थी वो आत्महत्या नहीं, हत्या थी सर। और वो हत्या डीएम ने की थी। जिसके चश्मदीद गवाह अग्निहोत्री हैं। अग्निहोत्री के पास उनके खिलाफ सारी फाइलें मौजूद हैं। ओ ऐसी। सर मैंने उनसे कहा कि हम आपको पुलिस थाने में ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हमने कहा कि हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, कोई उनके काम में दखल ना दे। अग्निहोत्री एक जिम्मेदार आदमी है, जरूर उसके दिमाग में कोई खास प्लान होगा। अगर वो चाहता है कि हम उसे काम में दखल नहीं दे तो हम नहीं देंगे। सर आपको क्या लगता है, एक अकेला आदमी ये सब कुछ कर सकता है? अभा, जो आदमी अपनी जान पर खेलकर सबूत इकट्ठे कर सकता है हमें उस पर भरोसा रखना होगा। और फिर ऐसा तो नहीं है कि हमसे किसी ने मदद मांगी हो और हमने ना दी। ठीक है सर। पापा ये एक न्यूज है, नागपुर से किसी स्ट्रेंजर ने भेजी। क्या है? नागपुर में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। ओह माय गॉड। दहेज के लिए एक और मौत। केस चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा पापा, क्योंकि ये केस जोबन पुत्रा जी ने अपने हाथों में लिया। पापा? I see. तो कमिश्नर जुबन पुत्रा ने केस अपने हाथ में ले लिया। सेठ जी, कल रामकिशन का फोन आया था और उसने बताया है ये जो कमिश्नर ताजा ताजा बॉम्बे से ट्रांसफर होकर यहाँ आया है बहुत ही ईमानदार और खड़ूस है। मेरी समृद्धि के पीछे सिर्फ दो ही उसूल काम करते हैं। एक तो ये कि मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई चीज टिकाऊ नहीं है, और दूजा ये कि दुनिया में हर एक चीज बिकाऊ होती है। दलाल, थोड़े समय के लिए वकालत छोड़ के मेरी दलाली कर लो। खड़ूस और ईमानदार ऑफिसरों को खरीदने में मुझे ज्यादा आनंद आता है। सेठ जी, इस शहर में ऐसा मशहूर है कि आपका जर और मेरी जिरा में बहुत ताकत है। हम दोनों ने मिलके अच्छे अच्छों को हिलाकर रख दिया है, फिर ये कमिश्नर क्या चीज है? उसकी वर्दी आपकी नोटों का इंतजार कर रही है। नमस्कार कमिश्नर साहब, मुझे सूर्य प्रकाश दलाल कहते हैं, हाईकोर्ट का क्रिमिनल लॉयर और सेठ गिरधारी लाल का पर्सनल लॉयर। तशरीफ रखें। थैंक यू। कहिए
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कमिश्नर साहब, आप तो जानते हैं, जब भी किसी केस की फाइल बंद हो जाती है तो उस पर धूल चढ़ जाती है, वक्त की धूल। शहर की हाईकोर्ट गवाह है, मैंने जितने भी केस लड़े हैं वो जीते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? कमिश्नर साहब, आपने कभी एक साथ 50 लाख रुपए देखे? मैं 50 लाख रुपए कैसे देखूंगा, मेरी तनख्वाह तो सिर्फ 8,000 रुपए है। तो ये देखिए, पूरे 50 लाख आपकी पूरी जिंदगी की कमाई से बहुत ज्यादा है। ये आपके हो सकते हैं, बशर्ते कि आप ये फाइल बंद कर दें। कमिश्नर साहब, इस शहर में आपकी और हमारी दोस्ती खूब फलेगी। अच्छी बात है, तो मैं चलता हूं। एक मिनट, कमिश्नर, एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें हिरासत में लेता हूं। सरप्राइजिंग? कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, दरअसल दामू काका की तबीयत अचानक खराब हो गई और मैं भी कई दिनों से बाहर नहीं निकली, सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लो। तुम्हें याद दिखा तो यहाँ चली आई। तुम कहाँ खोई हुई थी? मैं तुम्हारे सामने आकर बैठी फिर भी तुम्हारा ध्यान ही नहीं, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। कुछ परेशानी है? नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखो आबा, अगर कुछ पर्सनल है तो मैं नहीं पूछूंगी। निकिता, पर्सनल नहीं है लेकिन बात अपनी बात है। जो लोग ज्यादा अच्छा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ के महसूस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तकलीफ उन्हीं लोगों को ज्यादा होती है। मैं कुछ समझी नहीं। ऊपर वाले ने औरत को न जाने किस केमिकल, किस मिट्टी से बनाया है, समझ में नहीं आता। इस प्रोफेशन में मैंने औरत के कई रूप देखे। ये देखो, ये एक बेसहारा औरत है, श्यामला पंडित। 20 साल पहले इसका पति इसे छोड़कर चला गया था। 20 साल, ये 20 साल तक उसका इंतजार करती रही, उसके लिए तड़पती रही, खुदती रही, और इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। 20 साल तक इसका पति बरेली में किसी औरत के साथ रहा। जब उस औरत की सारी जरूरतें पूरी हो गई तो उसे निकाल के बाहर कर दिया। बेसहारा, अधमरा पति जब श्यामला पंडित के पास पहुंचा तो उसने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया।
लेकिन जब ये 20 साल की कहानी उसे पता लगी ना, तो उसे बहुत सदमा पहुंचा। और अब 50 साल की श्यामला घर छोड़कर निकल आई है। वो अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है। ये रिश्ते, रिश्तों की गहराइयां मेरी कुछ समझ में नहीं आती है। पता है निकिता, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। निकिता, आई एम सॉरी, मुझे तो रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैं। कोई बात नहीं आबा, तुम एक पत्रकार हो और जिंदगी की सच्चाई को सामने रखती हो, इसमें मेरे दुखी होने में कोई बात ही नहीं। निकिता, श्यामला पंडित जिंदगी का एक कड़वा सच है। इस औरत ने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन क्यों हर बार औरत ही तड़पती रहे और घुटती रहे? तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये चीज श्यामला के पति के साथ हुई होती तो क्या वो श्यामला का इस तरह से इंतजार करता? क्या वो अपनी जिंदगी बर्बाद करता? निकिता, निकिता, जवाब दो इस बात का। आभा, तुम वो जवाब मेरे पास क्यों मांगती हो जो दुनिया के सामने जाहिर है? मैं जानती हूं अगर विलास की जगह मैं गायब हो जाती तो अब तक विलास दूसरी शादी कर चुके होते। और ये जानते हुए भी तुम उसका इंतजार कर रही? जो वो करते वो मर्द का धर्म है, जो मैं करती हूं वो स्त्री की तकदीर है। तकदीर नहीं है निकिता, तकदीर नहीं है। औरत अपनी जिंदगी सवार सकती है। अगर श्यामला पंडित चाहती तो अपनी जिंदगी को इस तरह से बंजर नहीं बनने दे सकती थी। अपने हाथ से हम अपनी तकदीर लिख सकते हैं, पर लोकलाज और फर्ज के नाम पर उम्र भर की सफरिंग, इसकी क्या जरूरत है? श्यामला पंडित अनपढ़ है, कम समझदार है, इसलिए इस उम्र में जाके उसे अपनी पहचान का एहसास हुआ। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें अपनी पहचान का एहसास नहीं होता?